डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा था वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत यूनिट नंबर जो सेकंड है उसका जो टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ग्रुप, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आपका चल रहा था। ठीक है, हमने उसमें अब तक 7 थ्योरमें वहाँ पर कंप्लीट की एवं शुरुआत में उसकी जो वोकैबुलरी थी यानी जो डेफिनेशन एवं जो छोटे जो पॉइंट्स थे समझने के, वो हमने यहाँ पर अब तक उन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। पर आज हमारी उस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरम नंबर 8 है वो आपके सामने आ, ठीक है। जो ये थ्योरम नंबर 8 है वो आपसे क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, तो पहले आप इसको यहीं तक रीड करो, आप इसको कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप, तो पहले बात तो आप ये समझो कि आपके पास जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। पहली बात तो क्या होगी, ये जो ग्रुप होगा वो आपके पास कौन सा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर वो असीमित यानी उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है जिसको आप कह रहे हो साइक्लिक ग्रुप, उस साइक्लिक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो दो बातें आपके सामने, यदि ऐसा है तो ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होगा। अब आप जानते हो कि पूर्णांकों का ग्रुप कौन सा होता है, पूर्णांक हमारे जेड से इंडिकेट होते हैं और ये उस पर संक्रिया दे रखी है योज्य। तो जो आपका ये साइक्लिक ग्रुप होगा यानी जो भी आपका साइक्लिक ग्रुप होगा ये इस दूसरे सामने वाले ग्रुप पर क्या होगा, तुल्यकारी होगा, या ये दोनों ग्रुप आपस में क्या होंगे, तुल्यकारी होंगे। ये हमारी थ्योरम हमसे कहना चाहती है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले आपको जो चीजें कंडीशन दे रखी है उनको आप कंसीडर करो। यदि आपको पहले से यदि रिटर्न में अगर चीजें दी गई होती कि हमें इसका कोई नाम भी दिया गया होता कि असीमित चक्रीय ग्रुप जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है वो यदि हमारे पास होता पहले से, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो सीधा हमें क्या करना था, सिर्फ आगे की चीजें वहां पर फाइंड आउट करने की जरूरत थी। लेकिन हमें वो चीज केवल स्टेटमेंट के तौर पर दी गई है, तो हम सबसे पहले उन चीजों को कंसीडर करेंगे और उसके बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए उसकी ओर हम चलेंगे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, कि प्रत्येक ऐसे भी चक्रीय ग्रुप हमारे पास नहीं है, तो पहले हम उसको कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना असीमित चक्रीय ग्रुप जी डॉट। ठीक है, इस तरीके से मैंने ले लिया कि जो मेरा असीमित चक्रीय ग्रुप है वो इस तरीके का है, यहाँ पर असीमित चक्रीय ग्रुप हमारा इस तरीके का है जी डॉट के रूप में, यहाँ पर जहां तथा जी का जनक ए है। ये हमने यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर मानी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो क्या है, ये चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप का फॉर्मेशन आप जानते हो कि साइक्लिक ग्रुप तब बन पाते हैं जब उनका कोई जनक वहां पर उपस्थित हो। तो जिस चीज को हम साइक्लिक कह रहे हो तो उसका जनक भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि जी स्टार हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, तो वो जनरेटर कौन है इसका, ए। तो ये दोनों चीज हमने यहाँ पर कंसिडर की यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो जब हमारे पास ए इसका जनक है यहाँ पर, तो आगे की बात क्या होगी यहाँ पर, तब हम इस जी को कैसे लिख पाएंगे कि जो हमारा जी स्टार था उसको इस तरीके से लिख पाएंगे कि जो जी स्टार है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। किस तरीके से, किसका जो सेट होगा यानी जो जी नामक जो इसका सेट होगा वो तो इस तरीके से होगा कि ए की पावर एम सच दैट कि एम इज द एलिमेंट ऑफ जेड, इस तरीके से होगा और ये इसकी संक्रिया हो गई। यानी हमारे पास जो ये साइक्लिक ग्रुप था उसको हमने कैसे लिख दिया, इस तरीके से, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट कैसा होगा, ए की पावर पूर्णांक के रूप में यहाँ पर अवेलेबल होगा कि इसका जो बेस है वो तो क्या रहेगा, जनरेटर इसका, और पावर इसकी क्या होगी, पूर्णांक यहाँ पर। तो बार बार पूर्णांक बदलते जाओ आप, तो आपको क्या मिलते जाएंगे, इसके एलिमेंट मिलते जाएंगे किसके, जी स्टार के, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो जनक होता है, जनक को जैसे जी हमारा सॉरी जैसे हमारा जी क्या था, साइक्लिक ग्रुप था, तो इसके जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे, एक की पावर 0, एक की पावर 1, एक की पावर 2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर, इधर को -1 क्योंकि सामने हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो पूर्णांक है वो क्या है, यहाँ पर जेड है, एम की वैल्यू के ले रहे हैं जेड, तो जेड ले रहे हैं तो सामने नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, तो सबके सब इसके क्या होंगे, वो एलिमेंट होंगे किसके, जी के। तो हमारे पास जी हमें परफेक्टली हमें मिल गए यहाँ पर कि जी हमारा इस तरीके से क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है,
अब हमें एक चीज और शो करनी पड़ेगी, वो चीज कौन सी शो करनी पड़ेगी कि हमने जिस चीज को लिया है, यानी जिस चीज को हम क्या कह रहे हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अब हमें ये चीज और शो करनी पड़ेगी कि ये क्या है, निश्चित क्या है, असीमित है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट नहीं है। तो हमें इस चीज को और डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब ऐसे कहने से काम नहीं चलता है, यहाँ पर जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं तो कहने से काम नहीं चलता है कि असीमित है। तो हमें इसको और कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारे पास हम जिस चीज को ले रहे हैं वो वास्तव में क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, माना a की पावर m कोमा b की पावर a की पावर m कोमा a की पावर n इज द एलिमेंट ऑफ g, कि हमने इसी ग्रुप से क्या ले लिए, दो एलिमेंट यहां पर ले लिए हमने इस तरीके से, ठीक है। तथा संभव है तो माना संभव हो तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर कि जब भी हमें किसी ग्रुप के एलिमेंटों के बारे में, यानी उसके एलिमेंटों के नंबर्स के बारे में, उनकी काउंटिंग के बारे में हमें कोई डिटेल देनी हो, तो हम इस जो तीन चार लाइन का हमारा जो सेटअप होता है इसको हमें हमेशा यूज में लेना पड़ता है यहाँ पर, ताकि इससे क्या हो जाता है कि यदि वो फाइनाइट होगा तो भी शो हो जाएगा, और यदि वो इनफाइनाइट होगा तो भी वहां पर वो शो हो जाता है। क्योंकि हमें इसमें जो जी नामक जो हमारे पास ग्रुप था, जो साइक्लिक ग्रुप था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हमें बताना है, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, असीमित होने चाहिए, यानी जिस चीज को आप कंसीडर कर चुके हो वो वहां पर अप्लाई भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसके दो एलिमेंट कैसे ले लिए, कि a की पावर n तथा a की पावर n इज द एलिमेंट ऑफ z, और इनको ले लिया, इनके लिए यह माना कि यदि संभव है तो इन दोनों की जो वैल्यूज है, वैसे तो यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने माना कि इनकी जो वैल्यू है, इनको सोल्व करने पर जो आंसर आते हैं वो क्या है, इक्वल है, ये हमने कंसिडर किया, ठीक है। जहां जो m तथा जो n है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ z एंड m इज ग्रेटर देन टू n है, यहां पर इस तरीके से आप ले सकते हो, चाहे आप ऐसा ले सकते हो कि m के बाद क्या आता है, m के बाद n आता है, तो आप n को बड़ा कर सकते हो सीक्वेंस ही, कि n हमारा बड़ा है, तो हमने इस तरीके से इसको शो कर लिया यहां पर कि n इज ग्रेटर देन टू m यहां पर, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहां पर कंसीडर कर ली कि जिन चीजों को हम इसकी पूर्णांक घाते ले रहे हैं यहां पर m और n, उनमें रिलेशन इस तरीके का है कि n थोड़ा बड़ा है किससे, n से, यानी कहना ये चाहते हैं कि ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है यहां पर, क्योंकि बराबर हो जाएंगे तो स्वतः हमने एक ही चीज को बार बार लिखा है, ठीक है, तो वो चीज हमारे पास महत्व नहीं रखती है। तो इस वजह से हमने इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिख दिया कि m इज लेस देन टू n, कि जो m वाली वैल्यू है वो थोड़ी छोटी है किससे, इस वाली वैल्यू से, एक की पावर n से, तो उस चीज के लिए हमारा वैल्यू हो गया यहां पर। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, दोनों पक्षों में किसको ऑपरेट कर रहे हैं कि a की पावर m इनवर्स इसके हम संक्रिय करा रहे हैं यहां पर। अब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो a की पावर m है वो हमारा g को बिलोंग कर रहा है, तो g हमारा क्या था, ग्रुप था, तो इसका इनवर्स भी निश्चित ही वहां पर एग्जिस्ट करेगा, और हम जानते हैं कि a की पावर m का जो इनवर्स होता है वो खुद क्या होता है, a की पावर माइनस m होता है यहां पर, तथा ये ऐसे लिख सकते हैं, तब हमने इसकी संक्रिया किससे करा दी, दोनों पक्षों में a की पावर माइनस m से इसकी हमने संक्रिया करा दी दोनों पक्षों में, यहां पर भी और इधर भी हमने इसकी संक्रिया किससे करा दी, a की पावर माइनस m से, तो a की पावर n संक्रिया यहां पर क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस m, इस तरीके से दोनों पक्षों में, ठीक है। अब ऐसा हो जाता है तो संक्रिय नियम क्या कहता है कि जब हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की यदि बात हो रही हो और उसके दो एलिमेंटों के मध्य आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो उनको ऐसा ना लिखकर हम उनकी पावर के बीच में क्या लगा लेते हैं, रिलेशन को लगा लेते हैं। तो इनकी पावर्स की बीच में रिलेशन क्या था, माइनस वाला, तो हमने क्या लगा दिया, एम माइनस एम, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस एम, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी वो तो क्या होगी, यहाँ पर तो किसका मान क्या आ जाएगा, जीरो, तो ए की पावर जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस एम, और थोड़ा इसको और आगे बढ़ाओ यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी एलिमेंट की पावर जीरो होती है, यानी उसकी पूर्णांक घात जीरो हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो एलिमेंट है वो उस ग्रुप से रिलेटेड आइडेंटिटी को शो करता है यहाँ पर। तो जब हमारे से ए की पावर यदि जीरो हो जाएगी तो इस कंडीशन में किसको शो करेगा, ये इस ग्रुप से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी होगी वो उसको शो करेगा। तो हमने क्या ले लिया, ई ए की पावर एन माइनस एम, ठीक है, जहां पर जो ई आपने यूज में लिया है वो क्या है, जी का तत्सम अवयव, ये भी हमने थोड़ा मेंशन कर दिया कि हमने जिस चीज को ई नाम दिया है वो क्या है, जी का तत्सम अवयव है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं यहाँ पर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर कि ए की पावर एन माइनस एम को यदि आप लेते हो तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, आइडेंटिटी वहां पर हमें प्राप्त होती है यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए आगे यहाँ पर जब हम एक ही पावर एन माइनस वन ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है आपको, आइडेंटिटी। और ये जो डेफिनेशन है यानी यहाँ पर जो लाइन लिखी है, ये तो हमारे किसी एलिमेंट की जो ऑर्डर है उसको डिफाइन करने की डेफिनेशन है यहाँ पर। ये तो कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की यदि आपको ऑर्डर डिफाइन करनी हो तो हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर याद आया आपको कुछ कि यदि हमारे पास ए नाम का कोई ग्रुप का कोई एलिमेंट है, कि जी नाम का कोई ग्रुप था उसका ए नाम का कोई एलिमेंट है, और ए की हमें ऑर्डर बतानी होती थी, तो हम कहते थे कि ए की आप ए के साथ इतनी बार संक्रिय कराओ, यानी ए का ऑपरेशन ए के ही साथ इतनी बार कराओ जब तक कि उसका रिजल्ट कितना नहीं आ जाए, उस ग्रुप से रिलेटेड आइडेंटिटी जब तक नहीं आ जाए तब तक आप ऐसा करो। यही बात होती थी ना कि ए के आप ए के साथ बार बार संक्रिय कराओ, और बार बार संक्रिय कराने के नियम को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक घातों के नियम से। जैसे m बार मैंने कराई वहां पर, और m बार कराने पर मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी यदि यानी e मिल जाता है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कहता था कि ऑर्डर ऑफ a, कि a की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, m होगी वहां पर। ये चीज हम वहां पर लेकर चलते थे वहां पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि a की मैंने ऑपरेशन a के साथ कितनी टाइम कराया, n माइनस वन टाइम कराया, क्योंकि जो n माइनस m है वो देखो यहां से कि m छोटा है किससे, n से, तो कुछ ना कुछ इसका मान आएगा यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पर, आएगा नहीं आएगा। तो हमने देखा कि इन ये दोनों बराबर तो थे नहीं, तो बराबर नहीं थी तो इनके कुछ ना कुछ तो मान आएगा, भले चाहे एक आए चाहे दो आए, चाहे कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब इसकी कुछ वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू के लिए एक ही संक्रिया उतनी बार कराने पर स्वयं के साथ रिजल्ट कितना आ रहा है, ई आ रहा है यहाँ पर, यानी आइडेंटिटी आ रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह पाएंगे कि जो ए की जो ऑर्डर होगी या तो n माइनस m के बराबर होगी इसके, या क्या होगी, इससे कम होगी, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि ए की संक्रिया ए के साथ न्यूनतम मिनिमम n माइनस वन टाइम ही हो रही है, इससे ज्यादा भी हो सकती है या इससे कम भी हो सकती है, और वहां पर तो हम ये नहीं कह पा रहे यहाँ पर अभी तक। तो इस वजह से हम कौन सा सिंबल लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास इनइक्वालिटी वाला सिंबल है उसको यूज में लेते हैं। और जब हम ऐसा केस करते हैं कि बार बार हमें पता है कि हमने निश्चित ही कि ए की जो ए के साथ ही हमने जब तीन बार संक्रिया कराई, तो हमारे सामने हो रहा था सारा काम कि ए की संक्रिया ए के साथ तीन बार कराई तब जाके ई आया था, तो वो कंडीशन तो हमारे बिल्कुल समक्ष थी वो चीज, तो कि तीन बार कराने पर ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज थोड़ी पता है कि ये चीज तो इससे पहले भी ऐसा घटित हो सकता है कि जब हमने ए की पावर एन माइनस एम टाइम कराया तो इससे पहले भी ये पॉसिबिलिटी बन गई होगी, तो हमें थोड़ी पता है उसके बारे में। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इनइक्वालिटी का सिंबल यूज में लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास आएगा implies that कि order of a is less than and equal to n minus m, कि order of a है उसकी वैल्यू या तो n minus m के बराबर होगी या क्या होगी, इससे कम होगी। क्यों, मैंने आपको बताया था कि n minus m हमारे सामने नहीं हुआ, यानी ये कितनी वैल्यू थी, क्या इससे पहले भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि ए की पावर हमने उतनी टाइम लिया होगा तो हमारा ई हमें मिल गया होगा, तो इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसी वजह से यदि ये सबसे छोटा होगा, यदि ए की ए के साथ संक्रिया कराने पर एन माइनस एम यदि सबसे छोटा हुआ और उस स्थिति में आपको आइडेंटिटी मिली होगी, इधर देखो आप थोड़ा इसको समझो इस बात को, कि जैसे मैं बात की मैंने कि ए की संक्रिया ए के साथ चार बार कराने पर आइडेंटिटी आ जाती है, ये हमारे सामने हो रहा है, ये बिल्कुल हमारे सामने हुआ था, मैंने अपने हाथों से किया था कि चार बार मैंने कराया था, उससे पहले कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ था। तो इस कंडीशन के कारण मैंने क्या कह दिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या यूज मिली है, 4 यूज मिली है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब एक बच्चा मुझे घर से लेकर आता है काम कुछ करके यहाँ पर, और कहता है सर मैंने ए के साथ 12 टाइम ऑपरेशन कराया, मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी यानी ई एलिमेंट मुझे अवेलेबल हुआ वहां पर, ठीक है, दोनों में फर्क समझना यहाँ पर। अब मैं इसको क्या कहूंगा यहाँ पर, कि कहूंगा तो बेटा तेरा ये जो रूल है यानी ये तेरी डेफिनेशन है किसी अवयव की ऑर्डर डिफाइन करने की, ये वर्क तो कर रही है, यानी आपका आंसर तो ठीक आ रहा है, लेकिन मैं इसको इसकी ऑर्डर नहीं कह पाऊंगा। क्यों नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं इसको देख पाता कि हाँ ये न्यूनतम कि जो मिनिमम केवल 12 टाइम करने पर ही ऐसा हो रहा है, तब तो मैं इसकी ऑर्डर कह पाता। लेकिन जब मेरी चीज जो सामने नहीं हो रही, यानी मुझे इसके जो पहले के जो स्टेप थे उनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ठीक है आप ले आए तो ऐसा ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो आपके इस 12 के बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि इस 12 से कहीं छोटी वैल्यू पर भी ऐसा पॉसिबल हो, तो वो मेरे सामने थोड़ी हुआ है, क्या पता ये 8 टाइम भी ऐसा पॉसिबल हो, ए की पावर 8 टाइम भी ऐसा पॉसिबल हुआ होगा। तो उस कंडीशन में मुझे नॉलेज नहीं है ना कि उसने क्या क्या किया था, लेकिन ये मेरे सामने हुआ था, क्योंकि मैंने मुझे बताया कि मैंने न्यूनतम चार बार ए की संक्रिया ए के साथ कराई तब जाके ऐसा आया,
ठीक है। तो उस कंडीशन को इस वजह से हम क्या लेते हैं, दो वैल्यूज के रूप में लेते हैं यहां पर, कि ये बराबर भी हो सकता है और ए का जो ऑर्डर है इससे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज हमारे सामने नहीं हुई यहाँ पर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि ए की संक्रिया आपने जो एन माइनस एम टाइम कराई है, ये हमारे सामने तो हुई नहीं यहाँ पर कि कितनी बार था, ना हमें इसकी वैल्यू के बारे में जानकारी कि ये 10 है 20 है या 100 है या 1 है, यहाँ पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक है। तो इस कारण हम इसको क्या कह पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ ए है वो एन माइनस एम से या तो छोटा होगा या क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एन माइनस एम है उसके बारे में थोड़ा मेंशन कर देते हैं यहाँ पर कि एन माइनस जो एम है वो क्या है, एक परिमित राशि है। एन माइनस एम क्या होगा, एक परिमित राशि होगी यहां पर, परिमित वैल्यू है, ठीक है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जिन चीजों को लिया है वो क्या कोई पूर्णांक है, और जब एन और एम कोई वैल्यू होंगी तो उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगा यहां पर। तो यहां से आपको क्या पता लग गया है, यहां पर हमें ये जानकारी हो गई क्या कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो हमें क्या मिल गया, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई यहां पर, कि हमें क्या प्राप्त हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ ए हमें क्या प्राप्त हो गया, परिमित वैल्यू मिल रही है हमें यहां पर। और ऐसा जब हम पढ़ते हैं कि हम जिस चीज को क्या कह रहे हैं, जिस ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या है, इनफाइनाइट है, और उस कंडीशन में भी हमें उसके जो जनक की जो ऑर्डर है वो हमें फाइनाइट मिल जाती है, तो ये बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि जब हमने एक ग्रुप पढ़ा था और जब हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था तो वहां पर ये चीज हमने अच्छे से समझी थी, वहां पर ये चीज कि जो भी हमारे साइक्लिक ग्रुप होते हैं या जो भी कोई ग्रुप होगा उसमें यदि उसको बात की जाए कि उसके जनक की, साइक्लिक ग्रुप में यदि उसके जनक की कोटि यदि क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो उस कंडीशन में वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वो नहीं हो सकता। क्योंकि जो फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं उनके ही जो जनक होता है उसकी कोटि आपको क्या मिलती है, फाइनाइट मिलती है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वहां पर ये थ्योरम आपको बताती है यहाँ पर कि जितने भी जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनके जो जनक की जो ऑर्डर है वो भी आपको फाइनाइट ही मिलती है, और जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनके जो जनरेटर है उसकी जो ऑर्डर है वो भी आपको क्या मिलती है, वहां पर इनफाइनाइट ही मिलती है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया कि हमारा इसमें जो जनक ए था उसकी ऑर्डर कितनी मिल गई, आपको फाइनाइट मिल गई, यानी हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जिस चीज को आप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कह रहे हो और वहां पर उसके जनरेटर की जो ऑर्डर वो फाइनाइट मिल जाए, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं होता। तो इसका मतलब हमने कहां गड़बड़ की कि हमने जो चीज माना था कि तथा संभव हो, माना तथा संभव, संभव है तो, तथा संभव है तो, इसको इस तरीके से लिखो, यानी हमने यहां पर जो गड़बड़ की थी इसके कारण वहां पर ऑर्डर ऑफ ए क्या मिला, हमें फाइनाइट मिला है, यानी जिस चीज को हम ऐसा लेकर चल रहे थे वो वास्तव में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। या यूं कहें कि जिस चीज को हमने इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप डिफाइन किया है इस तरीके से, यहाँ पर जब तक इसकी जो ऊपर की जो आपको पावर्स दिखाई दे रही हैं या जो पूर्णांक घाते आपको दिखाई दे रही हैं, ये जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक उस परिस्थिति में इन इस प्रकार के एलिमेंटों का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। तो हमने जो चीज यहाँ पर ली है, यानी ये जो रिजल्ट लिया है वो क्या है, निश्चित ही क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि हमारी मान्यता, जो कि हमारी मान्यता क्या थी कि हमने क्या मान लिया था वहां पर कि a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, जो हमने गलत चीज कर ली थी उसकी वजह से ऐसा हुआ है, जो कि हमारी मान्यता a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n का विरोध है। अर्थात a की पावर m इज नेवर इक्वल टू a की पावर n फॉर ऑल m इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है, कि जब तक m और n बराबर नहीं होंगे तो उस कंडीशन में ये भी क्या नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। और ऐसा करने पर हमें जो रिजल्ट मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, इंप्लाइज दैट कि हमने जो g स्टार लिया है वो क्या मिला है, हमने एक अपरिमित ग्रुप है, जी स्टार अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ले लो, चक्रीय, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो इसका पहला पार्ट था, यानी यहां से आता कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप
जो हमें शो करना था वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पर इन लाइनों के द्वारा उसको शो कर लिया परफेक्टली, कि वास्तव में ये हमने जिस चीज को, जिस स्टार को, जिसको हमने साइक्लिक ग्रुप माना है, वो निश्चित ही यहाँ पर क्या है, वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है यहाँ पर। अब आगे की चीजें लेकर चलते हैं, यानी अब हमें क्या करना है यहाँ पर, कि अब हमें एक पूर्णांकों का एक योज्य ग्रुप लेना है यहाँ पर। अब दूसरा काम हमें करना है, तो अब नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, अब दूसरे ग्रुप पर। अब हमने क्या किया, पुनः माना कि जेड प्लस पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, दूसरी जो हमारी कंसीडरेशन होती है वो हमने यहां पर कंसीडर की, कि हमारे पास जो जेड प्लस है वो क्या है, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप है, क्योंकि हमें यहां से तो प्रूव करना है इसको कि पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के क्या होगा, ये तुल्यकारी होगा। हमें ये डिफाइन करना था कि ये क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमें यहां पर शो करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस चीज को मान लिया कि जेड प्लस हमारा क्या होगा, पूर्णांकों का योज्य ग्रुप होगा। इसको थोड़ा और शो करो कि जो जेड प्लस है उसको जो रिजल्ट होगा उसका वो इस तरीके से होगा, कि जो जेड होगा वो तो कैसे होगा, 0 ± 1 ± 2 लाइक दिस, इसी प्रकार से आगे तक, और साथ में क्या जाएगा प्लस यहाँ पर। तो ये हमारा क्या था कि जेड प्लस पूर्णांकों का क्या था, योज्य ग्रुप था यहाँ पर, ये हमें मिल गया था यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीजें हो गई यहाँ पर, कि क्या क्या हो गया, कि हमने जिस चीज को लिया था कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था वो भी हमारे पास है, हमारे पास जो एडिटिव जो ग्रुप है, एडिटिव जो पूर्णांकों का जो ग्रुप है वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गया, दोनों चीजें अवेलेबल हो गई। अब हमें किसी मैपिंग को क्या प्रूव करना है, कि जो कि इस जी स्टार से इस जेड पर जो मैपिंग होगी उसको हमें क्या शो करना है, कि वो क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी, ये हमें फाइनल यहां पर करना है। तो पुनः हमने क्या माना एफ सच दैट जी टू जेड, कि जो जी से कहां पर है, जेड पर प्रतिचित्रण है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, कि हमारे पास क्या है, कोई इस प्रकार की कोई मैपिंग है, किस तरीके की, इस तरीके की, कि F नाम की कोई मैपिंग है जो कि G से एलिमेंट लेती है और कहां पर उसका रिजल्ट कहां पर देती है, Z पर, यानी G के एलिमेंटों को कनेक्ट करती है, किससे, Z के एलिमेंटों को वो कनेक्ट करती है। अब कैसे कार्य करती है वो भी यहां पर मेंशन कर लेते हैं, तथा जो F है वो किस तरीके से कार्य करती है, कि F में जैसे ही आप कोई इस तरीके का एलिमेंट रखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जी में सारे एलिमेंट कैसे हैं, साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट है, और साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट कैसे होते हैं, कि उनके जनक की पावर्स के रूप में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये रहा जनक और ये इसकी होगी पूर्णांकार, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट ऐसा शो किया जाएगा। तो ये हमने क्या किया, तथा कि जो F है, यानी जिस चीज को हम ऊपर कह रहे हैं, वो किस तरीके का कार्य करती है, कि जब भी मैं जी में से कोई इस तरीके का एलिमेंट लूंगा तो वह केवल उसकी पावर बचाकर आपको वहां पर बाहर देगा, ठीक है। क्या देगा, उसकी पावर बचाकर, जहां पर आपको एम फाइंड आउट हुआ है, जहां पर आपको एम फाइंड आउट हुआ है वो क्या है, जेड का एलिमेंट है, इज द एलिमेंट ऑफ जेड, कि जब जब भी आप कोई भी एलिमेंट यहाँ रखोगे एफ में, किसमें से, जी में से, और जी के एलिमेंट कैसे थे, यहाँ देखो जी के एलिमेंट इस तरीके के थे, यानी इनकी पावर बदलते जाओ और जी के एलिमेंट आपको अवेलेबल होते जाएंगे वहां पर। तो उनमें से हमने क्या रखा, कि ए की पावर एम यदि आप रखते हो तो क्या रिजल्ट देता है आपको, केवल एम देता है, जहां पर जो एम है वो किसका एलिमेंट है, जेड, यानी जो पूर्णांक का जो ग्रुप है उसका ही एलिमेंट है। तो हमने जो मैपिंग थी वो डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पर। अब इस मैपिंग की क्वालिटी आपको बतानी है, कि ये जो मैपिंग है वो 1-1 मैपिंग होगी, ऑन टू मैपिंग होगी, और साथ के साथ होमोमॉर्फिज्म भी ये होगी, और तीनों कंडीशन जब हमारे पास वेरीफाई हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कह पाएंगे कि जो हमने एफ जी से जो जेड पर जो मैपिंग ली थी वो क्या है, एक आइसोमॉर्फिक है यहाँ पर, कि हमने जिस मैपिंग को केवल जनरली एक मैपिंग नाम दिया था वो वास्तव में क्या है, आइसोमॉर्फिक है, वो कहां से, जी से जेड पर वो आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अब हमें प्रूव करना है यहां पर, तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। तो सबसे पहले हमें 1-1 प्रूव करना है, तो 1-1 प्रूव करने के लिए आप जानते हो कि आप कहीं से भी, जहां से आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, कि इसमें से हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया यहां पर, ठीक है। अब उनकी जो वैल्यूज है उनके लिए हम ऐसा लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1-1 मॉर्फिज्म,
सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं वन वन एक एक प्रतिचित्रण को यहाँ पर। तो उसके लिए हम जानते हैं चूंकि यदि हमारे पास कोई पूर्णांक यहाँ पर ए है और उसकी पावर एम है तथा उसकी पावर यदि यहाँ पर ए की पावर एन है और वो ऐसे रिजल्ट बराबर नहीं है, ये हम जानते हैं बेसिकली कि यदि हमारे पास आधार में कोई चीजें हैं और उनकी पावर्स यदि डिफरेंट डिफरेंट है, वहां पर उनकी पावर्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में यही यूं कहें कि जैसे हमारे पास है 4 की पावर 7 और एक है 4 की पावर 8, ठीक है, तो इनका वैल्यू हमें पता है कि ये कभी भी क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। और जब ये बराबर नहीं होते तो हमें ये भी पता लग जाता है कि इनकी जो पावर होती है वो भी कभी भी क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती, ठीक है, कि जब ये बराबर नहीं होते तो वहां पर इनकी जो पावर्स है वो भी क्या नहीं होती, कभी भी बराबर वो नहीं होती। तो इस कंडीशन को लेकर हम ऐसा करते हैं यहाँ पर। तो यहां से हमने क्या देखा कि यदि हमारे पास कोई दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जहां पर उनके आधार समान है लेकिन उनके घाते अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में वो कभी भी बराबर नहीं होते, ये हमारे घातों का नियम हमसे कहता है। तो यदि ऐसा है तो उनकी जो घाते हैं वो भी क्या नहीं होती, वहां पर बराबर नहीं होती, इंप्लाइज दैट कि m इज नेवर इक्वल टू n, ठीक है। तो ये तो हमारी जो बेसिक हमारी नॉलेज है घातों के नियम से वहां से इस चीज को लिख लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों में यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, मैपिंग ले लेता हूँ यहाँ पर, तब क्योंकि हमें तो प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि हमारी जो मैपिंग थी वो क्या नहीं है यहाँ पर, मेनी वन नहीं है, यानी वो वन वन है, ये हमें यहाँ पर शो करना है यहाँ पर। तब ए की पावर एम इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एन, दोनों पक्षों में एफ प्रतिचित्रण लेने पर, एफ प्रतिचित्रण लेने पर हमने क्या ले लिया दोनों पक्षों में, क्या ले लिया एफ मैपिंग ले ली यहां पर। तो दोनों पक्षों में एफ मैपिंग लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एम यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, नॉट इक्वल टू ए की पावर एन। अभी तक हमने केवल दोनों पक्षों की मैपिंग ली है, केवल फंक्शन लगाए यहां पर, अब देखते हैं इनका रिजल्ट, क्योंकि ऊपर नॉट इक्वल टू था तो यहां पर भी नॉट इक्वल टू होगा एफ मैपिंग लेने पर। अब इनका रिजल्ट देखते हैं यहां से कि हम जानते हैं कि एफ में हमारा क्या काम होता है कि एफ में जब भी कोई एलिमेंट इस तरीके से रखा जाता है तो आंसर आपको क्या मिलता है, सिर्फ एम मिलता है यहां पर। तो यहां से क्या मिल गया आपको एम, यहां से नॉट इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा आपको एन, कि यहां पर हमें रिजल्ट क्या मिल गया कि एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो यहां से हमने क्या देखा कि जब हमारे पास कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं, कोई दो एलिमेंट कैसे कि जो ए की पावर एम है तथा ए की पावर जो एन है वो यदि बराबर नहीं है, इनकी मैपिंग यहां पर यदि बराबर नहीं है तो वहां पर एम भी किसके बराबर नहीं हो रहा है, एन के बराबर नहीं हो रहा, कि जब अवयव अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में उनके जो आंसर्स हैं यानी सामने वाले जो ग्रुप में आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो भी क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। ये था हमारा जी और ये था हमारा जेड, जी में एलिमेंट कैसे थे ए की पावर एम एंड ए की पावर एन इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो इनकी जो मैपिंग एम तथा जो एन मिलेगी वो भी क्या नहीं है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू, कि वो भी आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं होगी। और जब बराबर नहीं होगी तो ऐसा हर एक कंडीशन के लिए होगा और हर एक कंडीशन के लिए ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो मैपिंग है वो क्या होगी, वन वन होगी, कि जब इनकी वैल्यू बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में इनके जो आंसर्स हैं वो भी बराबर नहीं हो रही। और ऐसी मैपिंग को हम क्या नाम देते हैं, वन वन, कि एक का कनेक्शन सिर्फ एक के साथ हो, क्योंकि यदि ये इनको बराबर नहीं होने के बावजूद भी यदि एम बराबर एन हो जाते तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन कहते हैं उसको, वहां पर क्या कहते हैं उसको, मैनी वन कहते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो हम क्या कह पा रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट था यानी जो एफ मैपिंग थी वो क्या नहीं है, मैनी वन नहीं है, बल्कि कौन सी है, वन वन मैपिंग है यहां पर। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, दिस इंप्लाइज दैट कि एफ ए की पावर एम इज नॉट इक्वल टू ए की पावर एन, इंप्लाइज दैट कि एफ ए की पावर एम इज नॉट इक्वल टू एफ ए की पावर एन। और ऐसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, इंप्लाइज दैट कि जो एफ है जो सच दैट जो हमारा जी से जो जेड पर जा रहा था क्या है, एक की मैपिंग है, वन वन मैपिंग है, एक की प्रतिचित्रण है, हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर, कि जिस चीज को हम वन वन मैपिंग कहना चाहते थे वो हमारी वास्तव में क्या मिल जाती है, वन वन मैपिंग मिल जाती है। दूसरा चलते हैं ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग यानी जो आच्छादक जो प्रतिचित्रण है उसके बारे में जानकारी करते हैं। आच्छादक प्रतिचित्रण क्या होता है कि जो सामने वाला जो भी आपका जो फंक्शन है यहाँ पर या जो भी जो ग्रुप है उसमें कहीं पर भी एक भी एलिमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि उसके लिए आपके पास कोई
इनवर्स एलिमेंट अवेलेबल नहीं हो, ऐसे हमारे पास एक भी कंडीशन वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो हमने लिया कि लेट कि m इज द एलिमेंट ऑफ z, कि m कहां पर है, z में अवेलेबल है, देन तब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट a की पावर m इज द एलिमेंट ऑफ g। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई एलिमेंट z में होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसके इक्विवेलेंस एलिमेंट आपको कहां पर अवेलेबल हो जाएगा, z में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि z में जब भी कोई एलिमेंट होगा, जैसे आपका 7 है, z का एलिमेंट एक इंटीजर है, तो 7 के लिए a की पावर 7 अवेलेबल नहीं होगा क्या, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि पूरा जो हमारा g है वो पूरा का पूरा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है यहां पर, और इसके प्रत्येक एलिमेंट को आप पूर्णांक घातों के द्वारा किसी ना किसी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका कोई भी एक ऐसा भी एक भी इंटीजर नहीं बचेगा जिसके लिए हमारे पास कोई भी जी में एलिमेंट हो, ऐसा नहीं हो यहाँ, ठीक है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर अवेलेबल होगा हमारे पास वहां पर। तो जैसे 7 आपका जेड का एलिमेंट था, तो इसके लिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, जी में ए की पावर 7 अवेलेबल हो जाएगा, कि जैसे ही हम इसके ऊपर एफ प्रतिचित्रण लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। आपको 0 चाहिए तो 0 भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होती है, आइडेंटिटी, तो वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी जो भी हमारे पास होगी यहाँ पर वो। तो यहाँ पर भी हमें यानी प्रत्येक इंटीजर्स के लिए हमारे पास कोई ना कोई वहां पर क्या अवेलेबल होगा, जो हमारे पास पूर्णांक घात वाला जो यानी जो हमारे पास जी में जो एलिमेंट है वो जरूर अवेलेबल होगा, ताकि जैसे मैं उसका एफ प्रतिचित्रण लूंगा तो मुझे क्या अवेलेबल हो जाएगा, वह पूर्णांक वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा कि लेट m इज द एलिमेंट ऑफ z, कि m हमने कहां से ले लिया, z से ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट a टू द पावर m इज इक्वल टू z, सच दैट, किस प्रकार से होगा कि जैसे ही मैं इस a की पावर m पर, जैसे ही मैं इस a की पावर m पर मैपिंग लूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, m फॉर ऑल a टू द पावर m इज द एलिमेंट ऑफ, यहीं पे फॉर ऑल m इज द एलिमेंट ऑफ z, कि ऐसा एक के लिए नहीं होगा, हर एक एलिमेंट के लिए होगा ऐसा, कि जब भी आप जेड में से कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा जो हमारे पास जनक का जो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल हो जाएगा वहां पर, हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। और जब हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा तो हमारे पास जेड में एक भी एलिमेंट रिमेन नहीं रहेगा, और जब एक भी एलिमेंट रिमेन नहीं रह पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे सारे इन एलिमेंटों का लिंक कहीं ना कहीं जी के एलिमेंटों से है, यानी एक भी एलिमेंट क्या नहीं है, ब्लैंक नहीं है। और जब ब्लैंक नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या कह पाते हैं कि हमारी जो मैपिंग थी वो वास्तव में क्या है, आच्छादक मैपिंग है या ऑन टू मैपिंग है। तो इंप्लाइज दैट कि f सच दैट जो g टू जो z जो मैपिंग थी वो क्या है, ऑन टू या आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो हमारे पास जो मैपिंग मिली वो भी क्या है, आच्छादक हमें प्राप्त हो गई। तो हमारी दो कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहाँ पर कि 1-1 मैपिंग भी हमें प्राप्त हो गई और साथ के साथ ऑन टू मैपिंग भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन और जरूरत है, और वो किसकी है, होमोमॉर्फिज्म की और जरूरत है, यानी किसकी, जो हमारे पास समाकारिता है उस वाली कंडीशन की हमें और जरूरत है यहाँ पर। और यदि वो भी हमें मिल जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा कि जिस चीज को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिस चीज को हम कह रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के जो तुल्यकारी होता है, वो कंडीशन हमारी वहां पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं यहां से। अब देखिए होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए कि जहां से आप उसको प्रूव कराना चाहते हो, जिस ग्रुप से, उस ग्रुप से कोई भी दो एलिमेंट ले लो। तो हमने लिया यहां पर समाकारिता के लिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए, होमोमॉर्फिज्म करने के लिए कि लेट a टू द पावर m एंड a टू द पावर n इज द एलिमेंट ऑफ g, कि हमने कहां से ले लिए, दो एलिमेंट a टू द पावर m कोमा a टू द पावर n इज द एलिमेंट ऑफ g, कि g से हमने क्या ले लिए, दो एलिमेंट यहां पर ले लिए, और दोनों के मध्य क्या करा दी, संक्रिया करा दी, हो सकती है, क्योंकि हमारा क्या था, ये साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट है दोनों के दोनों, अब इनके मध्य आप संक्रिया कराओ यहाँ पर, तो करा दी संक्रिया, और संक्रिया कराने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एफ प्रतिचित्रण यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया हमने, एफ प्रतिचित्रण यहाँ पर लगा दिया। अब हम जानते हैं कि पहले दोनों के मध्य संक्रिया होगी यहाँ पर, और दोनों के मध्य संक्रिया होगी तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, ए टू द पावर क्या मिलेगा, एम प्लस एन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए,
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जब इन एलिमेंटों की संक्रिया से आप कराते हो तो उस कंडीशन में आपको इनकी जो बेस है वो इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के कारण की जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो पावर्स ऐड हो गई। उसके बाद चले यहाँ पर, तो यहाँ से आपने देखा कि जब भी आप इस तरीके के एलिमेंट के ऊपर एफ मैपिंग लेते हो, यहाँ से देखो कि जब भी हमारे पास इस तरीका का कोई एलिमेंट होगा और उसके हम ऊपर एफ मैपिंग लेंगे तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ एम। क्या मिलेगा, सिर्फ एम। तो सेम कंडीशन में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, इसका एम प्लस एन मिल जाएगा। मिल गए एम प्लस एन। अब आप बात करो यहां से कि एक तो आपको एम मिला और एक आपको एन मिला, तो यहां से आप देखोगे कि एम हमें एक और तरीके से प्राप्त हो सकता है कि यदि मैं एफ में क्या रखू, यहां पर ए की पावर एम रखू तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। और यदि मैं एफ में ए की पावर एन रखू तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो यहां से आपने क्या देखा कि हम जिस चीज को ऐसा लेकर चले थे कि ए की पावर एम स्टार ए की पावर एन, तो यहां पर तो ये किसकी संक्रिया थी, ये जी की संक्रिया थी, और ये दोनों एलिमेंट जी की संक्रिया के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। और जैसे ये इधर को आए यहाँ पर इस एफ प्रतिचित्रण को लेकर, तो उस कंडीशन में संक्रिया कौन चेंज हो गई, सामने वाले ग्रुप की। और सामने वाला ग्रुप कौन सा था, जी। ये सामने वाला ग्रुप कौन सा था, जेड। और जेड के बाद संक्रिया कौन सी थी, एडिटिव। तो कन्वर्ट किस में हो गया, देखो एडिटिव में कन्वर्ट हो गया, नहीं। और ये आपको चाहिए था, तो इंप्लाइज दैट कि फॉर ऑल ए टू द पावर एम कॉमा ए टू दी पावर एम इज द एलिमेंट ऑफ जी, इंप्लाइज दैट कि वहां से भी क्या प्राप्त हो जाएगा कि समकारिता की जो कंडीशन है यहाँ इसको यही छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने शुरुआत में भी इसको ले चुके हैं यहाँ पर कि ए टू दी पावर एम एंड ए टू दी पावर एन इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो यहीं से यहाँ पे सीधा क्या लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट कि हमारे पास जो एफ मैपिंग है, एफ सच दैट जो जी से जो जेड पर, जी से जेड पर प्रतिचित्रण जो हमें मिला है वो कौन सा प्रतिचित्रण है, वो समाकारिक प्रतिचित्रण है, वो प्रतिचित्रण f सच दैट g टू z समाकारिता है। चाहे प्रतिचित्रण के नाम में लेकर क्या क्या कह सकते हो कि सीधा ही क्या कह सकते हो कि ये क्या है, समाकारिता है। कि केवल ये मैपिंग नहीं है, केवल साथ के साथ क्या है कि दो ग्रुपों में कनेक्शन करने का ये क्या है, एक रिलेशन भी है यहां पर कि जो जी को जेड से जोड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास जो एफ है वो केवल मैपिंग नहीं है, साथ के साथ ये क्या है कि जी को जेड से जोड़ने वाला एक रिलेशन भी है, और उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, समाकारिता। तो वो क्या है, एक समाकारिता है यहाँ पर। तो हमारे पास देखो तीनों कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, एक कंडीशन तो एक है की होने का, एक आपका ये ऑन टू होने का, और फाइनली किसका आ गया आपके पास, जो होमोमॉर्फिज्म है उसका होने की कंडीशन आपके सामने ये आ गई। तो तीनों कंडीशन को यदि कंबाइन रूप से हम कहें यहाँ पर, तो कंबाइन रूप से क्या कह पाएंगे तीनों को कि वास्तव में हमारे पास जो मैपिंग है वो क्या है, क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। कि जिस चीज को हमने नॉर्मली मैपिंग नाम दिया था वो वास्तव में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं, इंप्लाइज दैट कि हमारे पास अतः परिणाम एक कोमा दो व तीन से स्पष्ट है, तीन से स्पष्ट है कि एफ सच दैट जी स्टार टू जेड, जी स्टार टू जेड प्लस, जी स्टार से जो जेड प्लस जो प्रतिचित्रण है वो क्या है, तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है। कि जो एफ नाम का जो प्रतिचित्रण था जो जी से जो जेड पर जा रहा था वो वास्तव में क्या है, तुल्यकारी है, ये तुल्यकारिता है यहाँ, ठीक है। जहां जो एफ ए एम है वो कैसे कन्वर्ट होता था, एम में। तो इस रिलेशन के अंतर्गत ये क्या है कि जी से जेड प्लस पर क्या है, ये तुल्यकारिता है। और यही आपकी थ्योरम थी कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित साइक्लिक ग्रुप के लिए, यदि ये सीमित होता तो उस कंडीशन में नहीं होता यहाँ पर, तो वहां पर क्या है कि प्रत्येक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए जो एडिटिव ग्रुप होता है वो भी किसका, पूर्णांक होगा, वो सदैव उसके क्या होता है, तुल्यकारी होता है। यानी दोनों क्या होते हैं, इक्विवेलेंस ग्रुप होते हैं, वो एक जैसा कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर इस थ्योरम के माध्यम से समझनी थी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और यदि इसके अलावा यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट रह जाता है इस थ्योरम को समझने में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस चीज को मेंशन कर सकते हो वहां पर।
ठीक है, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस चीज़ को वहाँ पर और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको।